क्या आपको पता है कि चूहे चीज की इतनी परवाह नहीं करते? बुल्स लाल कलर देख के साइलेंट से वायलेंट नहीं होते। इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि हम ऐसे 10 पॉपुलर मिथ्स का भांडा फोड़ने वाले हैं। जाकी क्यूरियस पंती। 1. बुल्स और लाल रंग। ये लाल रंग इन्हें कब छोड़ेगा? हम सब ने कई बार देखा है कि बुल्स लाल रंग के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। दोस्तों एक्चुअली ये गलत है। लाल रंग में ही ये लहराता हुआ कपड़ा है जो इरिटेट करता है। बुल्स यूजुअली तब इरिटेट होते हैं जब ये किसी चीज से घबराए या डरे हुए हों और अपने मालिक के इस अनयूजुअल ट्रिक जो कि एक कपड़े को लहराना है वो काफी है इन्हें आग बबूला करने के लिए। वैसे बुल्स बाकी काउस और बफलोस की तरह कलर ब्लाइंड होते हैं और उन्हें लाल रंग नहीं दिखाई देता। हमें पता है कि आपको ये बात पता नहीं थी। 2. ब्राउन अंडे सफेद अंडों से ज्यादा न्यूट्रिशियस है। ब्राउन अंडे सफेद अंडों से ज्यादा महंगे होते हैं और हेल्थियर भी होते हैं। ना। सरासर गलत है जहाँ तक न्यूट्रिशन और स्वाद की बात आती है। ब्राउन और सफेद अंडों में ज्यादा फर्क नहीं है। अंडों का रंग उनकी क्वालिटी को नहीं दर्शाता बल्कि जो मुर्गी खाती है जिस जगह वो रहती है वो अंडे कहाँ देती है वो इसके अंदर के न्यूट्रिशन को बढ़ाता है। ये देखा गया है कि सफेद मुर्गी सफेद अंडे और लाल या ब्राउन मुर्गी ब्राउन अंडे देती है। उतना ही सिंपल जितना 2+2=4. 3. ऑस्ट्रिच मत बनो। जो इंसान सच्चाई को फेस करने से बचे उसे कहते हैं ऑस्ट्रिच की तरह मत बनो। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि खतरा महसूस होने पर ऑस्ट्रिचेस अपना सर छुपा लेते हैं लेकिन सच्चाई में ये किसी से छिप नहीं रहे लेकिन ऑस्ट्रिचेस अपना सर ग्राउंड में रूट्स और सीड्स की स्मेल के लिए डालते हैं और जब वो घबराए हों तो वो तेज भागते हैं बिल्कुल रूट रनर शो के कार्टून की तरह। ये ना सिर्फ हमसे तेज भाग सकते हैं बल्कि अपने शिकार को चकमा भी दे सकते हैं। ये बिहेवियर एक मिथ से आया है। जब ऑस्ट्रिचेस को ये लगे कि वो कोई लड़ाई नहीं जीत सकते तो वो लेट कर मरने का नाटक करते हैं। उनके सर को वो ऐसे झुका देते हैं कि बाकी जंतुओं को लगे कि इन्होंने अपने आप को खुद ही दफन कर दिया है। 4. बाहर ठंड में रुकने से ठंड लग जाएगी। बेटा सर्दी बढ़ गई है स्वेटर पहनो स्वेटर पहनो। लेकिन हमें बाहर ठंड में रहने से ठंड नहीं लगेगी। सच तो ये है कि हमें बुखार या जुखाम तब होगा जब हम किसी वायरस की चपेट में आएंगे जो सबसे ऑब्वियस चीज है ठंड में रहने की। स्टडीज ये बताती है कि ठंड में रहने से कई लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है और उनकी इम्यूनिटी वायरस से लड़ने में काम आती है। 5. ऊंची है बिल्डिंग सिक्का मत फेंकना वरना आप किसी को मार सकते हैं। एक मिथ है जो ये बताता है कि एक सिक्के को अगर हमने ऊंची बिल्डिंग जैसे एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग जो 381 मीटर्स लंबी है वहाँ से सिक्का फेंका तो वो एक इंसान को मार भी सकता है। सिक्का हमें डेफिनेटली हार्म कर सकता है अगर हम पर गिरे लेकिन ये मारेगा नहीं हमें। एक सिक्का जिसका वजन 1 ग्राम जितना होता है वो गिरते हुए थरथराने लगता है। ये काफी लाइट होता है और काफी ज्यादा हवा में गिरने से ये उतनी स्पीड नहीं काबू कर पाता जब तक ये गिरे जो कि 3200 माइल्स पर आवर होती है। हवा को मद्देनजर रखते हुए तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सिक्का किसी की जान नहीं ले सकता। आपके सर पर जरूर लग सकता है लेकिन घातक नहीं बन सकता। 6. चूहों को चीज पसंद है। चूहों का स्वाद या चॉइस से कोई संबंध नहीं है। वो कुछ भी खा सकते हैं अगर उन्हें कुछ खाने के लिए मिल जाए। रिसर्च ये बताती है कि चूहे मीठे खाने की ओर ज्यादा बढ़ते हैं जैसे फल या फिर चॉकलेट। वैसे ये मिथ मिडिवल टाइम से चला आ रहा है जब पुराने जमाने में रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे तो वो मीट को सीलिंग से टांगते थे, अनाज को टैंक्स जैसी जगहों पर भरते थे और चीज को कपड़े या वैक्स लेस में लपेट के रखते थे। ये सबसे इजीएस्ट और क्विकेस्ट वे था चूहों का चीज तक पहुंचने का, इसीलिए तभी से मिथ चला आ रहा है। 7. हम एप से इवॉल्व हुए हैं। ऑफ कोर्स हम एप से इवॉल्व हुए हैं। कई लोग इसे डंके की चोट पर कहते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान और हायर एप्स जैसे कि गोरिल्लास बोनोबोस ओरैंगटैंस और बाकी के एप्स एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं जिन्हें हम मिसिंग लिंक कहते हैं। इंसान एक क्रीचर से इवॉल्व हुआ है जो एप जैसे दिखते थे लेकिन ये सच नहीं है कि हमारा एवोल्यूशन एप से ही हुआ है। एप्स और ह्यूमंस बस एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। 8. चमगादड़ अंधे होते हैं। अगली बार जब आपसे कोई कहे कि चमगादड़ अंधा होता है तो आप डंके की चोट पर आर्ग्यू कर सकते हो क्योंकि ये सरासर गलत है। रियलिटी में कोविड-19 को जन्म देने वाले चमगादड़ ना सिर्फ देख सकते हैं लेकिन इनका विजन हम ह्यूमन से भी बेहतर है, इनफैक्ट 3 गुना बेहतर। जो वो देख नहीं सकते हैं वो है रंग, उन्हें काला सफेद रंग ही दिखता है।
इसीलिए उन्हें कम रोशनी वाली जगह में अच्छी तरह से नहीं दिखता। हम ह्यूमंस के लिए भी कहीं ना कहीं सच है। इस मिथ की शुरुआत दो फैक्ट से हुई। पहला, चमगादड़ अंधेरे में उतने अच्छे से नहीं देख पाते। दूसरा, इनका एक ऐसा मेथड है जिसे इकोलोकेशन कहते हैं, जिससे कि वो आवास से अपनी जगह ढूंढते हैं। क्या आपको और जानवरों के बारे में पता है जो इकोलोकेशन यूज करते हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। 9, सूरज पीला होता है। क्या हम आपको ये बता रहे हैं कि सूरज का रंग भी एक मिथ है? जी हाँ दोस्तों, सूरज ना तो पीला, ना ऑरेंज, ना ही लाल है। सूरज रियलिटी में एक मिक्स है सब रंग का, इसीलिए वो हमें देखने पर सफेद रंग का लगता है। हम सूरज को पीला या ऑरेंज समझते हैं क्योंकि इसकी रंग की वेवलेंथ लंबी होती है और हम तक ऐसे ही पहुंचती है। बाकी रंग जैसे हरा, नीला, वायलेट कम वेवलेंथ की वजह से एटमॉस्फेयर में बिखर जाती हैं, जिस वजह से हमें आसमान नीला दिखता है। रेनबो सूरज की रोशनी से बनते हैं और ये अलग अलग रंगों में बिखर जाते हैं। 10, गोल्डफिश की 3 सेकंड मेमोरी। सच बताए तो गोल्डफिश बुद्धू और भुलक्कड़ नहीं होती है। ये बेहद सुंदर छोटू सी प्यारी सी मछली की मेमोरी ना सिर्फ अच्छी बल्कि ये बहुत बुद्धिमान भी होती है। ये कहा जाना कि गोल्डफिश की मेमोरी 3 सेकंड है, वो किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन ना रखने से आती है। और एक तरह से हमारा गिल्ट भी है क्योंकि हम इन्हें छोटी टैंक्स और बोल्स में रखते हैं। गोल्डफिश अपने आप को बचाने की ट्रिक्स बड़ी जल्दी सीख लेती है और इसे ये 3 महीनों तक याद रखती है। वैसे ये छोटू मछली टाइम भी बता सकती है। इनकी मेमोरी इन्हें खाना ढूंढने में और याद करने में मदद करती है और शिकारी से बचा के भी रखती है। तो दोस्तों, कोई आपसे अगर कल कहे कि गोल्डफिश बुद्धू है तो आप ये बात सुन बुद्धू मत बचाना। तो आपको इनमें से कौन से मिथ्स के बारे में पता था? क्या आप और इंटरेस्टिंग मिथ्स के बारे में जानती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए देखते रहिए क्यूरियस पंती, बचाओ अपनी ज्ञान की घंटी।